उपचुनाव को लेकर किस तरह का फैसला हुआ, आज बैठक हुई? आज आदमपुर उपचुनाव को लेकर के जननायक जनता पार्टी की हल्का स्तरीय मीटिंग को बुलाया गया, जिसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में, जो गांव के स्तर पर वर्कर्स बीजेपी जेजेपी के वर्कर हैंड इन हैंड होकर के काम करें, जोन वाइज क्या कमेटियां बनेंगी, और हमारी पार्टी के जेजेपी के कौन कौन से नेता किस किस समय पर विजिट करेंगे, किन किन गांव की एक ग्रुप्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा, उन सारी बातों की चर्चा हुई। बीजेपी का जो ऑफिस चल रहा है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो, और दोनों पार्टियां मिलकर के बड़ी मजबूती से ये चुनाव जीते उसको लेकर के निशन में तय हो गया है कि प्रचार के लिए आप भी जाएंगे या लीडर्स हैं पार्टी के? ये दोनों पार्टियों की जो स्टेट लीडरशिप है वो तय करेगी, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी और तमाम दोनों पार्टियों के नेता कौन कैसे 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 रूल तय हो गया कौन कौन? नहीं, ये तो आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हमने उनको भिजवा दी है, और उसके साथ साथ हमारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आज शाम तक जारी है। चुनाव प्रचार जिस तरह से कह रहे थे कि जेजेपी दूरी बना रही है चुनाव प्रचार से, क्या आप लगा? नहीं, हमने दिवाली पे मीटिंग रखी थी, ये मीटिंग ही आज जो हमारी रामनवमी का दिन होता है इस पे आदमपुर हल्के की रखी हुई थी। ये तो ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोगों में पॉलिटिकल बातें हो रहा है। हम गठबंधन के साथ बीजेपी जेजेपी के साथ और जेजेपी बीजेपी के साथ, चाहे वो किसी को भी टिकट दें, ये डिस्क्रिप्शन उनकी है, और अगर हमारा चुनाव होता तो ये डिस्क्रिप्शन हमारी होती, मगर बीजेपी के साथ जेजेपी और जेजेपी के साथ बीजेपी, हम मजबूती से अलायंस में अपना धर्म निभाएंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से हमने एथिकल और मॉरल वैल्यूज पर अपनी राजनीतिक लड़ाई की, आगे भी। क्या लगता है किस तरह के नतीजे? एथिकल एक तरफा है, कांग्रेस बिलो 30,000 मैं मानता हूं, INLD और आम आदमी पार्टी बिलो 10,000, और मुझे लगता है कि 25,000 से 30,000 को लेकर किस तरह का फैसला हुआ, आज बैठक हुई? आज आदमपुर उपचुनाव को लेकर के जननायक जनता पार्टी की हल्का स्तरीय मीटिंग को बुलाया गया, जिसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में, जो गांव के स्तर पर वर्कर्स बीजेपी जेजेपी के वर्कर हैंड इन हैंड होकर के काम करें, जोन वाइज क्या कमेटियां बनेंगी, और हमारी पार्टी के जेजेपी के कौन कौन से नेता किस किस समय पर विजिट करेंगे, किन किन गांव की एक ग्रुप्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा, उन सारी बातों की चर्चा हुई। बीजेपी का जो ऑफिस चल रहा है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो, और दोनों पार्टियां मिलकर के बड़ी मजबूती से ये चुनाव जीते उसको लेकर के निशन में तय हो गया है कि प्रचार के लिए आप भी जाएंगे या लीडर्स हैं पार्टी के? ये दोनों पार्टियों की जो स्टेट लीडरशिप है